अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स और इंडियन फोर्स के लोग जो है वो टांग उठाते हैं। अच्छा, और फिजिकली मैं देखूंगा, बड़े करीब से आज देखूंगा कि वाकई ही टांग किसकी ऊपर जाती है, और आपको भी दिखाऊंगा। बड़ा मस्त माहौल होने वाला है। तो वाघा बॉर्डर जाने वाला जो सीन है बाई चांस बन गया। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि सलीम भाई आ जाए, आज संडे है, फ्री हैं, तो हम चलते हैं वाघा बॉर्डर पे। मैंने ऑलरेडी वहां पे अपॉइंटमेंट ले रखी है, क्योंकि वाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी है तकरीबन आधे घंटे की होती है और टाइम जो है 5:30 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें पहले जाना पड़ता है कुछ 4 बजे से पहले, क्योंकि सीट्स का मसला होता है और ऊपर से संडे हो, वीकेंड हो, तो बहुत ज्यादा वहां पर लोग आए होते हैं। आप समझें कि लाहौर की सराउंडिंग में ये एक ऐसी सेरेमनी है जिसको देखने के लिए लोग हजारों की तादाद में जाते हैं। तो मैं भी आज प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम वाघा बॉर्डर पे जा रहा हूँ। इससे पहले मैं गंडा सिंह बॉर्डर कसूर पर गया था, लेकिन वाघा बॉर्डर में पहली दफा जा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस किस तरह रहेगा वो भी आपके साथ सारा शेयर करेंगे। तो भाई ये है मेरे दोस्त जो मेरे साथ जा रहे हैं। कैसे हैं सुनाओ, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। 5:30 बजे का वैसे वहाँ पे टाइम है, सही है, तो होपफुली हम जल्दी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह। यहाँ से हम लोग रिंग रोड पे चढ़ने लगे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? रिंग रोड का माहौल तो मस्त रहेगा। क्या आगे क्या हालात हैं आसमान भाई? वैसे आपको तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे तो रास्ता भी नहीं आता। जीपीएस लगा लें। जीपीएस लगा लेते बस। हाँ। फिर आपका भी फर्स्ट है, मेरा भी फर्स्ट है, और बेस्ट है जीपीएस। गूगल जीपीएस लगाएं, दैट्स बेस्ट, इससे पहले कि हम चाइना पहुंचे में हो। और यहाँ पे रश भी बहुत होता है, और आप ये समझे कि ये दोनों नेशंस का जो इमोशंस का टाकरा है ना। हाँ जी। वो उसका बेस्ट प्लेस यही है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, हम इसके हक में नहीं है, लेकिन चले एक एनर्जी डेवलप करने के लिए ना। हाँ जी। एक एनर्जी जो अंदर की छुपी हुई लोगों की अपने वतन के लिए, थोड़ा हुल्लड़बाजियां और इस तरह की चीजें, उसके लिए ठीक है, जरा एंटरटेनमेंट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास और है ही क्या लाहौर में, स्पेशली लाहौर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंटरटेनमेंट का बेस्ट भी है ये, बेस्ट प्लेस। तो बेस्ट प्लेस है। संडे अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ से अपना बेस्ट टाइम जो है ना। हाँ, वो अपनी लाइफ का, वो यहाँ से अपनी आवाज बिठा सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और सेकंड नंबर पे ये कि एक यादगार जो है ना, अपना मेमोरी आप अपनी यहाँ पे बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं वाघा बॉर्डर की, और ये सामने आपको जो पहली चेक पोस्ट नजर आ रही है, यहाँ से जो ना सिक्योरिटी शुरू इनकी हो रही है, और आगे क्या क्या सिक्योरिटी होती जाएगी वो भी आपको अपडेट करेंगे, और कितनी सिक्योरिटी है, आपको कितना ये स्टेप पार करने पड़ेंगे वो भी इसमें सारा अपडेट करेंगे। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? थैंक यू। लेकिन आप देखिए ये दूसरी चेक पोस्ट आ गई है, इस चेक पोस्ट पे भी मेरे ख्याल में वो पूरी हमसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बास भाई। वालेकुम सलाम जनाब, ये दो को चलिए। हाँ जी। तो ये जो लोग जा रहे हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने अपना कोई प्रोटोकॉल नहीं लगवाया हुआ, ना ही कोई एंट्री करवाई हुई है, और ये तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला बनता है। अगर आप लोग बगैर एंट्री करवाए आ रहे हैं तो आपको इस तरह पैदल चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लोग जो है पैदल जा रहे हैं, और ये बिल्कुल सामने जो है ये आपको वाघा बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो भाई ये देखें ज़रा, इतनी सख्त गर्मी में, और वो देखें ज़रा लोग पैदल चल रहे हैं। भाई लाइन चेक करें, ऐसे जैसे कोई चीज बांटी जा रही हो, इतनी लंबी लाइन है भाई, ये देखें जरा क्या बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गाड़ी जो अंदर जा रही है, और ये यहाँ पे बगी भी है जो अंदर लोगों को लेके जा रहे हैं। और सुमान भाई चेक सारी की नहीं आ रही सर, मैं कहता हूँ कि आपने फुल प्रोटोकॉल वाला जो है ना, दिखाएं जरा, ये देखें जरा, ये तमाम जितनी भी चल रही है पूरे 1.5 किलोमीटर से वहाँ ऐसे चल रही है। ये देखें आप कितना बड़ा जो है ना ये वाला, यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग जो है ना वो लगना है, और दूसरी तरफ वो जो है ना इंडिया का फ्लैग है। तो और ये देखें बिल्कुल सामने जो बॉर्डर है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी है। वापसी भी बनवाते हैं भाई से, क्या ख्याल है? अभी बनवा लें। 5:30 रेट हो। क्या बात है, क्या क्या नाम है आपका? रियाज। पाकिस्तान के वाम है, इस तरफ सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, और ये
हमने जो है ना ये इंडियन लोग हैं जो इंडिया के सारे हैं, और ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है इस गेट को वाघा बॉर्डर कहा जाता है। अगर आप अगली तरफ पाँव रखेंगे तो आप इंडिया में चले जाएंगे।
सामने हम लोग खड़े हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। अभी परेड खत्म हो चुकी है और ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे सारे ये वाले सारे जो पाकिस्तानी यहाँ बैठते थे और ये रेंजर्स के हमारे नौजवान खड़े हुए हैं जिन्होंने अभी परेड की है। और उसके अलावा ये बिल्कुल आपको सामने जो नज़र आ रहा है ना, ये सामने वाला जो है ये इंडिया है और उनका पास क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाम भी बहुत ज़्यादा आती है और वो वहाँ पर बैठे होती हैं और इधर जो हैं ये वाले ये पाकिस्तानी बैठे होते हैं। हमारे जो रेंजर्स के नौजवान हैं जो सोल्जर्स हैं वो क्या कमाल करते हैं यार, मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया, इस तरह का एक्सपीरियंस आई हैव नेवर सीन बिफोर। बैग वगैरह अंदर लेके जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, आप फ़ोन लेके जा सकते हैं अंदर, लेकिन फ़ोन जो होते हैं उसमें भी चूँकि जैमर्स लगे होते हैं तो कॉल या व्हाट्सअप या नेट बिल्कुल नहीं चलता है। आप फ़ोटो वीडियो वगैरह बना सकते हैं लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई वेपन है या बैग वगैरह है तो आप बिल्कुल अंदर नहीं लेके जा सकते, और पहली चेक पोस्ट पे या दूसरी चेक पोस्ट पे आपको वो जमा करवाना पड़ता है। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरी बेशक की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।